So what's up guys and welcome back everyone to another PUBG Mobile video, and in this video we're talking about close combat, अपना crosshair adjust जो होता है placement वो कहाँ पर रहना चाहिए and बाकी सब चीज़ों के बारे में. तो guys video पूरा देने का skip मत करना, make sure to leave like and share, subscribe. Instagram पे आप मेरे को message कर सकते हो अगर आपको कोई doubt वगैरह है, तो link is in the description, go and check it out. And video बस पूरा देने आपको समझ आ जाएगा ढंग से. make sure to leave like, subscribe, फिर से बोल रहा हूँ share कर दे जरूर करना अगर पसंद आए वीडियो तो. एंड पूरे आपको बताऊंगा ड्रिल्स वगैरह जो आपको फॉलो करनी है अपने क्रॉस हेड प्लेसमेंट एडजस्टमेंट वगैरह सबके लिए. तो चलो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बताता हूँ आपको डायरेक्ट कि आपको करना क्या है. तो फर्स्ट चीज़ जो आपको नोटिस करनी है वो ये है कि आप कौन सी सिचुएशन में, आपका पास कवर क्या है, आपके पास जो कुछ भी है क्या है, तो आपके वो नोटिस करना आपको कि आप क्लोज इन में कैसे फाइट लेने. जैसे कि आप पूरी स्क्वाड रश कर रहे हो तो आप एक साथ उसको टारगेट नहीं कर सकते, एक एक करके ही कर सकते हो. अगर चार बंदा पे एम करे तो आप नहीं मार पाओगे उसको. तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है क्या नहीं. मैं कुछ सिचुएशन दिखाऊंगा आपको, उससे आप लोग नोटिस कर लेना. जैसे ये सिचुएशन देख लो, यहाँ पे बंदे हैं लेकिन उसको नहीं पता कि मैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे कवर लिया हुआ था, उसका दूसरा बंदा मेरे पीछे से आया और मैंने प्रोन किया. तो यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन होती है इसकी, आपको कैसे हैंडल करना है. आप हर बंदे को अलग अलग करके मारोगे, कवर होना चाहिए आपके पास एक. अगर आप पूरा ओपन में और चार बंदा रश कर रहे हैं, चाहे दो भी रश कर रहे हैं, तो आप एक को मारना चाहोगे लेकिन दूसरा आपको मार ही देगा, चाहे आपका एम चाहे सभी हो, क्योंकि दोनों आप पे टारगेट करेंगे तो एक ना एक तो मार ही देगा जब तक आपको. तो थिंक अबाउट लाइक दैट कि आपको एक कवर तो चाहिए चाहिए, एंड उसके बाद आप जो करो. अब मैं आपको एक और सिचुएशन दिखाता हूँ, और एक क्या मैं आपको दो सिचुएशन दिखाता हूँ, आप पहले उसको नोटिस करो और उसके बाद मैं आपको थोड़ी ड्रिल्स वगैरह बताऊँगा क्लोज कॉम्बैट की जो आपको अपने क्रॉस हेयर से करनी है, ताकि आपका एम हेड वगैरह पे ही खुले. तो ये क्लिप आप देखना, यहाँ पे देखो मेरे साथ यहाँ पे मेरा बंदा भी खड़ा था तो वो मर गया और मैंने लेकिन इसको मार दिया. और इसमें डिफरेंस क्या था हम दोनों में कि मैंने वेट किया, मैंने TPP लिया उसके आने का. मैंने ये नहीं किया कि मैं उसके सामने निकल के गया. देखो आप वेट करो उसके आने के, क्योंकि देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ. अभी देखो जैसे वहाँ से बंदा आ रहा है तो उसका एम डायरेक्ट मेरे ऊपर है, तो मैं अगर वहाँ से निकल के आऊँगा तो मैं उसकी एम के अंदर आ जाऊँगा, ठीक है. तो उसका एम मेरे ऊपर था लेकिन उसको यहाँ पे एम उस टाइम उसका नहीं था, तो मैं पीछे होकर उसको मारा. उसको पास इतना टाइम नहीं था कि वो एम कर पाए मेरे पे, एंड मैंने उसको ईजिली मारा. अब मैं आपको एक और सिचुएशन बताता हूँ क्लोज कॉम्बैट की, वो भी सिचुएशन एक बार आप लोग देखो और मेरे को, और मैं आपको फिर उसको बताता हूँ क्या करना. तो ये सिचुएशन आपने देखी, ये सिचुएशन में मैंने क्या किया, बैठने के बाद मैंने पीक करके फायर किया, ठीक है. तो ये सिचुएशन क्या थी कि मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे बंदा भी इनविंसिबल है, ठीक है. तो मैं वापस अंदर आया एंड इसके बाद ये निकला बंदा, एंड फिर मैंने इसको फिर से मारा. और अगर मैं सीधा जाके खड़ा होता तो मैं कब का मर चुका होता, लेकिन मैंने यहाँ पे क्राउच किया एंड स्कोप पिन किया, वापस किया, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मदद हुई कि वो मार नहीं पाया मेरे को, ठीक है. और ये तभी काम आता है जैसे दो तीन बंदे अक्सर रश कर रहे, तो आप इसको लो कर सकते हो किसी बंदे को जब रश कर रहा है, तो ये तभी काम आता है. लेकिन अगर एक बंदा रश कर रहा है तो ऐसे कभी मत करें, क्योंकि आप मरने के बहुत चांसेस होते हैं. क्योंकि एक वो होता है कि अगर मान लो चार बंदे पुश करें तो आपको उसका चांस ही नहीं, अगर अकेले हो तो बच जाओगे, एक साथ पुश करें तो. एक बार ट्राई कर सकते हो आप लोग ये स्कोप इन और वापस आने का, क्योंकि अगर कभी कभी होता है कि एक बंदा नॉक भी जाता है डायरेक्ट हेडशॉट मारता है बहुत अच्छा, तो एक बंदा नॉक हो गया दो तीन रश कर रहा था, आप संभाल सकते हो किसी ना किसी तरह तो संभाल ही लोगे. तो ये तब यूज़ करो जब एक बंदा रश कर रहा है तो उसका भी एम आपकी तरफ होगा, तो इतना रिस्क समझने की जरूरत नहीं है. जैसे मैंने पिछले सिचुएशन बताई थी, वापस आके वेट करो उसके आने का और उसके बाद मार सकते हो. अब मैं आपको कुछ ड्रिल्स बताता हूँ, ड्रिल्स फॉलो करो आप लोग और आपका एमिंग जो भी सब है वो सब बहुत बढ़िया हो जाएगा. तो ड्रिल्स पे चलते हैं अब हम लोग, और बता दो क्लोज कॉम्बैट अपने क्रॉस हेयर प्लेसमेंट सब आप कैसे ठीक कर सकते हैं. सो अब लोग ड्रिल्स पे आ चुके, तो पहली ड्रिल आपको ये करना है कि ये जितने भी मूविंग टारगेट्स हैं इस पे आपको अपना एम जो है, जैसे देखो मैं एम देख रहे हो वो मैं हेड पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है. भागते हुए मेरा एम इनके हेड पर है, देखो हेड पर कनेक्ट हुआ, ये हुआ, ये हुआ, एंड इधर मतलब मूवमेंट के साथ आपको अपना एम जो है वो इनके हेड पे कनेक्ट करना है. आपको खड़े रह के करना है कनेक्ट, तो आपको बस अपना एम क्रॉस हेयर का जो एम है अपना कनेक्ट करना है. आपको पता है वैसे क्लोज कॉम्बैट में आपका जो एम है वो हेड पे मोस्टली रहना चाहिए, ताकि बंदा एक दो तीन गोली में नॉक हो जाए. मैं एक ऐसी गोली मार के देख रहा हूँ, कभी भी आप फायर कर सकते हो ऐसे देखने के लिए एंड व्हाटएवर. तो उसको आप ट्राई कर लेना. ये एक तो एक ये ड्रिल है, मैं आपको दूसरी ड्रिल बताता हूँ आपको क्या करनी है. दूसरी ड्रिल है कि ये जितनी भी मूविंग टारगेट्स हैं इस पे आके आपको ऐसे ऐसे बैठ के क्राउच करके या फिर कुछ भी करके इनमें शूट करना है, क्योंकि क्लोज कॉम्बैट में आपको जो एम होना चाहिए वो काफ़ी बढ़िया होना चाहिए. सेकंड ड्रिल आपकी जो आपकी मूविंग टारगेट्स वगैरह हैं उस पे आके आपको यहाँ पे ऐसे खड़े होके बैठ के क्राउच करके प्रोन होकर जैसे आपको शूट करना वैसे कर लो, एंड उसको इतना ट्राई करते रहो ये जितना जब तक कर सकते हो. पर डे इसको 20 मिनट 25 मिनट दे दो आराम से, काफ़ी आपको गेम इंप्रूव हो जाएगा. आई कैन गारंटी दैट 20-25 मिनट्स आप इसको दोगे तो आपका गेम बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा.
तो अगली ड्रिल के बारे में हम लोग बात करते हैं कि अगली ड्रिल में आपको क्या करना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा था कि मैंने आपको दिखाया था, जो मैंने आपको सिचुएशन बताई थी, तो उसकी प्रैक्टिस आप ऐसे कर सकते हो। आप यहाँ पे आके बॉक्स के नीचे बैठ के यहाँ पे एम करो उस टारगेट पे, प्रोन सॉरी क्राउच होके एंड पीक क्राउच पीक क्राउच पीक शूट क्राउच पीक शूट करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। यहाँ पे आप देखो, अरे भाई इसने रेड कर दिया। आप यहाँ पे भी आके प्रैक्टिस कर सकते हो, ये जो है यहाँ पे ऐसे आए, यहाँ पे निकले, यहाँ पे आए, ज़रूरी यहाँ पर क्राउच होना, आप खड़े को भी मार सकते हो, खड़े को वापस आए, पिक किया वापस आए। ये बेसिक हो गया, क्राउच होने वाला थोड़ा एडवांस हो गया, क्योंकि उसमें दो बटन यूज़ करने पड़ते हैं, इसमें सिर्फ एक पिक वाला बटन एंड मूवमेंट। एंड आपको ऐसे प्रैक्टिस करती रहनी है एंड आराम से करो, स्लो करो, धीरे धीरे आएगा। ये नहीं कि आप एक दिन में सीख जाओ, स्लो करते रहो, धीरे धीरे आएगा। एंड अब मैं बात करता हूँ अपने फोर्थ ड्रिल के बारे में जो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो फोर्थ ड्रिल में जैसे यहाँ पे देख सकते हो, आपको आपका जंप शूट करना है एंड जो एम है आपको पीछे जाना चाहिए। देखो यहाँ पे ऐसे कि बंदे को पता होता टीपी भी लेते हैं, तो आपको जंप करके जो शॉट लेना है वो आपको ऐसे लेना है। इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। अगर कोई बंदा आपको टीपी भी ले रहा है सामने, तो आप सीधे सीधे जाते हो, तो एक तो एम करना ही करना है उस पर, जैसे कि बताया था। लेकिन कभी कभी वो निकलते नहीं, जैसे कि मैं पीछे हो गया था, तो आपको जंप करके शॉट लेना है उस टेक्निक के लिए। अगर आप जंप करके शॉट लेते हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सामने वाले के लिए मारना, और जंप करके शॉट लोगे तो अगर वो शॉट हेड पे खुलता है ना, तो वो बंदा वो गारंटी नहीं मार पाएगा अगर वो पीछे भी हो जाए। अगर आप दो हेड शॉट मारते हो तो थोड़ा आपका भी ऊपर होता है, तो आप वो बंदा गारंटी नहीं मार पाएगा, इतना मैं बोलता हूँ आपको। सो ट्राई दिस ड्रिल टू। तो फिफ्थ ड्रिल, जैसे कि क्लोज कॉम्बैट में कोई बंदा आपके सामने आता है, तो आपको जो एम होना चाहिए वो उसके ऊपर, जैसे मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो वो जो है यहाँ पे, जैसे कि मैं किसी बंदे पे प्रैक्टिस कर लूँगा, जैसे कि जो भी ट्रेन में आपको बंदा देख रहा है आप उस पर प्रैक्टिस कर लो। जो बोर्ड था जहाँ पे, उस पर आप प्रैक्टिस करो, घूमते मूवमेंट वाली प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप खड़े होकर नहीं मारना उसको। तो आपको यहाँ पे ऐसे कि बंदा है, मैंने इस पर मार रहा हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है गाइस ये ड्रिल, इसको भी प्रैक्टिस करो। जो भी बंदा दिखता है या फिर ये जो है कुछ भी है आपको स्टिल टारगेट, उस पर आकर प्रैक्टिस करो एंड दिस इज गोना हेल्प यू अलॉट। सो जो लास्ट चीज़ है वो एक ड्रिल नहीं है, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, जो आई बटन है ना आपका आई बटन, इसको आप अपने क्रॉस हेयर पे ले आओ, ठीक है। अपने ये जो आई बटन होता है इसको अपने क्रॉस हेयर पे ले आओ एंड मैंने ला रखा है, देखो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपको क्लोज कॉम्बैट वगैरह में। तो इसको आपने क्लोज कॉम्बैट के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा, जब आप स्कोप खोलते हो तो ये आई बटन हट जाता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। जो पेंट बटन होता है वो भी बंदे ले आते हैं, लेकिन वो पेंट बटन का जब एडेस आप खोलते हो तो वो उसी पे रहता है, तो आई बटन हट जाता है। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग, अगर आप इसको आप लेके आते हो तो आप हेड शॉट वगैरह मारने में काफ़ी ईजी होगी। तो गाइज इसको भी आप कर लो एंड अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और ड्रिल्स वगैरह लेके आऊँगा मैं, तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल बटन जरूर दबाना, नोटिफिकेशन आएंगे अगली जितनी भी मैं वीडियोस डालूंगा। तो मिलता हूँ आपसे कौन है वीडियो साथ, अपने देखते रहो वी प्लेस एंड बाय गाइस, पीस।